जिले का, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि शिप्रा के घाटों पर भारी जनसैलाब उमड़ता है। तस्वीरें ये प्रत्यक्ष करती हुई कि मकर संक्रांति का ये पर्व उमंग उत्साह एक बार फिर से लेकर पहुंचा है। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, चूंकि दान का महत्व है। तो कई जगहों की तस्वीर आपने देखी जहां पर खिचड़ी और तिल दान की जा रही है। तो मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान की भी परंपरा है, और आप देखेंगे कि जहां भी संगम है, नदियां हैं, वहां पर लोग पहुंचते हैं घाटों में और स्नान करते हैं। आस्था की डुबकी की जो कुछ अलग अलग तस्वीरें वो लगातार आपको दिखाई जा रही हैं। माँ शिप्रा के तट का ये सैलाब जो कि पहुंचा हुआ है स्नान करने के लिए, और दान पुण्य की परंपरा इसको भी निभाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर जो शिप्रा घाट है, आसपास के जो घाट है, वहाँ पर जो गरीब रहते हैं उनको दान करने का भी विशेष महत्व होता है, ताकि उनके घर भी संक्रांति का त्यौहार खुशहाली से मनाया जा सके। तो आस्था की डुबकी की तस्वीरें शिप्रा घाट की, उज्जैन में भक्तों ने डुबकी लगाई है। तो प्रदेश भर में मकर संक्रांति पर लोग नदी घाटों पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। नर्मदापुरम में मां नर्मदा के घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर यह पर्व मनाया जाता है। घाटों पर स्नान करने के बाद लोग दान पुण्य करते हैं। आप जानते हैं किस प्रकार जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर जरूर मकर संक्रांति का जिक्र, लेकिन गुजरात में खासतौर पर उत्तरायण इसे कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर सूर्यदेव का पहुंचना और घाटों पर स्नान के लिए लंबी कतारें, तस्वीरें निरंतर ये स्पष्ट करती हुई कि भीषण ठंड के बावजूद लोग स्नान दान पुण्य हर चीज का महत्व समझते हुए घाटों पर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, ना सिर्फ उज्जैन का ये जिक्र बल्कि ओंकारेश्वर में भी श्रद्धालुओं का जत्था मौजूद होता है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत खास। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे दो अलग अलग सहयोगियों के पास। अजय पटवा है जो हमारे साथ उज्जैन में जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र कौरव है नर्मदापुरम को लेकर जानकारी देने वाले। उज्जैन का सबसे पहले जिक्र चुकी अजय हो रहा है, आपके पास आना चाहूंगी। शिप्रा के तटों पर आज निश्चित तौर पर जनसैलाब होगा, तस्वीरें देखना चाहेंगे। जी देखिए, इस वक्त मैं शिप्रा के घाट पर हूँ। यहाँ पर मोक्षदायिनी शिप्रा जो है, माँ शिप्रा के तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ शिप्रा के तट पर स्नान करने आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि माँ शिप्रा जो है मोक्षदायिनी, यहाँ पर एक डुबकी लगाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, और आज मकर संक्रांति का पर्व है तो बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन तिल के जो दान की जाती है तो इससे जो फल की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान महाकाल को भी आज तिल के स्नान कराया गया है। इसी के साथ जो है बड़ी संख्या में आप इस वक्त देख सकते हैं शिप्रा के घाट पर पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, जो गहरे पानी में जाने से लोगों को रोक रहे हैं, ताकि कोई हादसा ना हो, किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, किसी के साथ कोई श्रद्धालु जो दूर दराज से यहाँ पर स्नान करने आए हैं। और मुझे लगता है कि माँ नर्मदा के पहुंचने, उनके दर्शन के लिए भी इसी प्रकार से लोग पहुंच रहे होंगे। बताइएगा किस प्रकार का नजारा यहाँ पर शैलेंद्र। जी अभी नर्मदापुरम की बात की जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए नर्मदा घाटों पर पहुंच रहे हैं, और अभी सुबह से ही नर्मदा स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। आज भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी उत्तरायण हो जाते हैं, और भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व जो है वो बड़ी उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज से जो पौष माह में एक महीने मांगलिक कार्य बंद थे वो सब शुरू हो जाएंगे, और श्रद्धालु तिल गुड़ खिचड़ी का दान करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही नजारा आज कहीं ना कहीं जान पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। अजय आपका भी बहुत